नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूँ आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ी में आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार मैंने ये गाड़ी अपनी चेंज कर ली है, जो कि पहले आपको पता है मेरे पास में स्विफ्ट डिजायर मैनुअल हुआ करती थी डीजल के अंदर, और अभी ये गाड़ी है ये इग्निस है ऑटोमेटिक पेट्रोल के अंदर। तो यहाँ हमने शिफ्ट ओवर किया है जिसके अंदर की गाड़ी मेरी मैनुअल से मैं ऑटोमेटिक पे आ गया हूँ, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट गाड़ी है ऑटोमेटिक, और मैंने अब तक 3-4 गाड़ी जितनी भी चलाई है मैंने, सारी गाड़ियाँ जो भी मैंने रखी हैं वो सब मैनुअल ही हुआ करती थी। तो यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको शिफ्ट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले गियर लीवर देखो, इसका गियर लीवर जो है ना, इसका डिज़ाइन ही डिफरेंट है, ठीक है। सिंपल इसका लेआउट होता है, इधर डालोगे तो डी में चला जाएगा, डी माने ड्राइव। इसको न्यूट्रल पे रखना है, जब भी आपने गाड़ी खड़ी रखनी है तो वहां पर आपको तब पैर से ब्रेक दबा के रखना है या फिर हैंड ब्रेक को आपको लगा के रखना है। तो अभी ये गियर लीवर के अंदर आप देखिए, इसके अंदर ये न्यूट्रल पर है गाड़ी, ठीक है। और जब भी मेरे को गाड़ी चलानी है तो मैं इसको डी में शिफ्ट करूंगा, डी में शिफ्ट करने पर गाड़ी हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जनरली क्या होता है मैनुअल के अंदर, क्या होता है जब आप फर्स्ट गियर में डालते हैं गाड़ी, तो आपको यहाँ पर क्लच दबाना पड़ता है, बिकॉज क्लच तो है ही नहीं, यहाँ वाला आपका पैर रहेगा फ्री, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ मैं न्यूट्रल में डाल रहा हूँ सेफ्टी के लिए, ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ ना। तो मैं, आप मेरा पैर देखोगे, ये मैं अपना जो मैंने पैर रखा हुआ है, ये मैंने पैर एक ही पैर से चल दिया, यानी राइट वाला जो आपका फिट है ना, इसी से गाड़ी ऑटोमेटिक चलाई जाती है। इसमें लेफ्ट फुट का कोई काम नहीं, लेफ्ट फुट को आपको यहाँ साइड में फुट रेस्ट होता है, हर गाड़ी में दिया होता है फुट रेस्ट, ये मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। फुट रेस्ट पर आपको पैर को आराम से रेस्ट करके रखना है, और उसी के लिए हमने इसके 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो फुट रेस्ट तो बनता है भाई। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये राइट वाला मैंने पैर इस पे रखा हुआ है, तो इसमें देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये पैर ना आपको सीधा ही रखना है इस तरीके से। बहुत से लोग होते हैं जो शिफ्ट करते हैं ना मैनुअल पे, तो वो लोग क्या इस तरीके से पैर रखे, जैसे मैं मोस्टली क्या था, मैं इस पे पैर रखता था जब मैनुअल में गाड़ी चलाता था, और जब ब्रेक लगाना होता तो मैं ऐसे हल्का सा लगा देता था, तो मोस्टली मेरा पैर ऐसे रहता था। तो इसमें क्या हुआ, शुरू के 15-20 दिन भाई साहब बहुत पैर में दर्द हुआ, तो मैंने इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी किया कि यार इसको ड्राइव करना कैसे तरीका है। ये मैं पैर यहाँ रखता था इसके बीच में, ये भी जल्दी से हो जाए ये भी जल्दी, लेकिन ये गलत है। आपको पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे रखना है इसके, जब आप गाड़ी चलाओ तो सीधे ऐसे चलाओ और हल्का सा रेस दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला लेसन है आपको, ठीक है, 90 डिग्री पे इसको, और ये यहाँ से इसको हल्का सा शिफ्ट करेंगे, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से तो आपको आपका फुट मूवमेंट रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं लाता हूँ आपको गियर लीवर पे। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैनुअल पे मैंने इसको डाल दिया, डन। अब हम मैनुअल पे डालने के बाद में गाड़ी मेरी रेडी टू ड्राइव है, मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा ये मूव कर जाएगी, देखिए मूव कर गई, ठीक है। अभी क्या है, मस्त इसको पैर हटा लेने का। आप कहोगे यार तू गाड़ी चला कैसे रहा है, मैं गाड़ी ऐसी चला रहा हूँ यार। ये जो फंक्शन है ना, इसको कहते हैं क्रिप फंक्शन, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन फंक्शन है, लेकिन खाली सड़क पे। अभी जब आप इसको जाम में चलाओगे ना, तो क्या समस्या होती है वो मैं बताता हूँ। जाम में क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो उस टाइम पे ये जो क्रीप फंक्शन है, ये आपका इसकी स्पीड, अगर आप, मैं देखोगे, ये देखो आप, ये स्पीड मेंटेन करके रखेगा, कितनी है, 10 की स्पीड है इस टाइम, सिर्फ 10 की स्पीड पे चलाएगा, ये इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, तो पीछे वाले ना हॉर्न बजा बजा के दिमाग खा लेंगे। आपको ऐसे में क्या करना है जी, देखो थोड़ा थोड़ा आपको इसमें शिफ्ट, आपको हल्का सा रेस देना भी पड़ेगा। तो जब आप इसमें रेस दोगे, अभी ये फर्स्ट गियर पे, ये देखिए इसका ये डिस्प्ले में फर्स्ट गियर दिखा भी रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट गियर पे। अब जैसे ही आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे, तो ये देखो ये सेकंड में शिफ्ट हो गया ना। अभी बहुत से लोग क्या है, वो लोग ये समझ नहीं पाते कि यार साला ऑटोमेटिक गाड़ी को किस तरीके से चलाना है कि ये सेकंड में जाए। अभी मैं इसको चलाने का तरीका बताता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर में फिर चले गया, सही है। तो ये क्या है ना, ये इसके अंदर एल्गोरिथम दिया गया है, एल्गोरिथम को कैसे काम करना है, देखो मैं रेस दूंगा, ये गया सेकंड पे, अब मैं इसको फिर से रेस दूंगा, मेरे को जहां तक खींचनी है वहां तक खींचूंगा, मैं जैसे रेस छोड़ूंगा थर्ड में आ जाएगी, फिर मैं रेस दूंगा, देखो ये मैंने रेस दी, ये मैंने जैसे ही छोड़ा ऑटोमेटिकली ये फोर्थ में चला जाएगा, ये है इसका एल्गोरिथम, इसको समझना पड़ेगा आपको। लेडीज होती हैं बहुत से हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी प्रेफर करते हैं, उन लोगों को ना ये प्रॉब्लम लगती, कहते हैं यार गाड़ी झटके मारती है। एक्चुअल में सर क्या है, झटके नहीं मारती गाड़ी, गाड़ी का एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन है, ये देखिए ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट कर रहा है, D3 हो गया, D2 हो गया, इस टाइम पर ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं जैसे मेरे को रुकना है, मैं आराम से मैंने स्लाइटली ब्रेक मैंने शिफ्ट कर दिया और गाड़ी अपना उतनी स्पीड पे आ गई। अब देखो मैं इसको मैं फर्स्ट गियर पे डालता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, सड़क पर ना डरना नहीं चाहिए,
बहुत से लोग मैं देखता हूँ डर जाते हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, वो आ रहा है यार, वो भी गाड़ी चला रहा है, वो भी उतना ही उसको पता है कि गाड़ी मेरे को कैसे सेव करनी है, वो होल्ड कर लेगा डिपेंडिंग आप उसको उस तरीके से गाइड करो। ठीक है, अभी अपन सेकंड लेन में आ गए और स्लोली अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सेकंड गियर में ये आ गया, तो अभी क्या होता है कि जब आप जाम में चलाओगे तो आपको बहुत ही स्विफ्टली चलाना है गाड़ी को, स्लोली, और आपके जितने भी ये जो आपके तरीके है ना, ये बहुत ही आपके मतलब कैलकुलेटेड होने चाहिए। इसके अंदर ना कुछ भी जोर जबरदस्ती वाला कोई सिस्टम नहीं है इन गाड़ियों में, ये क्योंकि जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना उसका फंडा ही डिपेंड करता है कि आप उसको कितना स्मूथली राइड कर रहे हैं। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये मैं दूसरा आपका मैंने बताया कि मतलब आपको इसको स्मूथली राइड करना है, और गियर शिफ्ट का मैंने आपको जो तरीका बताया, गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट कर जाएगी, अब शिफ्ट कर जाएगी, मगर अगर आपको खींचनी है, जैसे ये देखो ये थर्ड में आ गई, मैं थर्ड में इसको खींचूंगा, जहां तक मेरे को जाना है मैं खींचूंगा, मैंने खींची, अब जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा फोर्थ में चली जाएगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब इसकी प्रोग्रामिंग है इस तरीके की, समझ रहे हो आप। ये मैंने स्लो कर लिया ऑटोमेटिकली, ये थोड़ी धीरे 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 ये डाउन शिफ्ट कर जाएगी डिपेंडिंग ऑन द गियर रेशियो जैसा कि इसके अंदर दिया गया। ये देखो मैंने इसको स्लो कर लिया, इसमें ये डरने का कोई बंधन नहीं है कि भैया इसको मतलब मेरे को स्लो करूंगा तो मेरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी चलती रहेगी मस्त। तो AGS जो मारुति ने बनाया बहुत ही बढ़िया इसका ये फीचर है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों मस्त मैं आपको नई चीज बताता हूँ इसमें, थर्ड क्या चीज है, ये जो इसका गियर है ना इसको अपन मैनुअल शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, पहली बढ़िया चीज क्या है ये देखो, जैसे गाड़ी अपनी डी में है इस टाइम, ठीक है, डी में चल रही है, तो ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आप मैनुअल पे आपको चलानी है तो आपको गाड़ी रोक के मैनुअल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे पुरानी जिप्सीज में हुआ करता था कि ये ऑन द फ्लाई है। तो इसको मैंने ये साइड में किया, ये आ गए अपन मैनुअल में। अभी देखो यहाँ पर आप नजर देखो, यहाँ पे एम आ गया है और ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसको खींचते हो ना, ये 2 में ही खींचेगी जितनी देर खींचना चाहो। ये मैंने थर्ड लगा लिया, तो यानी इसमें क्या है कि जैसे आप जितनी खींचना चाहो गाड़ी खींचो, और उसके बाद में गाड़ी के गियर को अपशिफ्ट करते जाओ हैंड से, तो गाड़ी खींचेगी आपकी। जैसे कई बार होता है, एक छोटा सा पॉइंट है आपका, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ डेली, तो एक लैप कहता हूँ मैं तो ऑफिस को, मेरे को 50 मिनट लगता है ऑफिस जाने में, तो बट बीच बीच में ऐसे बहुत सारे सडन पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप गाड़ी को खींच सकते हो। मगर ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी अपने एल्गोरिथम के हिसाब से शिफ्ट करती है, ठीक है। तो वहां पर ये सेंस नहीं बनता कि आप गाड़ी को मतलब उसी गियर में रेस दोगे तो वो अपशिफ्ट करेगा, सेंस नहीं बनता। और उसके अंदर मैं जो कह रहा हूँ ना कि जैसे मैंने एक स्पीड तक खींचा, तो वहां पर क्या होता है, बिकॉज और भी ट्रैफिक होता है बीच में, तो ऐसे में वहां पर क्या है, आप फुल कंट्रोल ले लो और गाड़ी को डालो मैनुअल में, जैसे मैंने ये डाला हुआ है, ये थर्ड में चल रही है, ये मैनुअल में गया मैं लेके और इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ये फोर्थ में चला गया। तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ मेरे पास में रनवे नहीं है प्रॉपर, तो मैं इसको इतना खींच नहीं पा रहा हूँ, ट्रैफिक है इस टाइम तो। मगर बेस्ट जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो यही है कि भाई आपने उसको मैनुअल में डाल देना है। देखो अभी मैनुअल में डालने का मतलब ये नहीं है कि साला ये गाड़ी डाउन शिफ्ट नहीं होगा। ये देखो मैंने मैनुअल में डाला हुआ है और मैंने एक भी गियर डाउन नहीं किया, ये देखो अपने आप सेकंड पे आ गया ये। हाउ कम ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि गाड़ी का एल्गोरिथम इतना बढ़िया डिजाइंड है कि वो स्पीड के अकॉर्डिंगली अपने आप इसको डाउन शिफ्ट कर देता है। तो आपको अपशिफ्ट कैसे करना है, अपशिफ्ट आपने खुद करना है। देखो मैं खींच रहा हूँ इसको, ये मैंने डाला थर्ड में डाल दिया, ये मैंने इसको डाला ये फोर्थ में डाल दिया, ये गाड़ी खींच रही है, समझ रहे हो आप। ये इसका बहुत प्यारा चीज है, इस चीज को आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और एंजॉय कीजिए ड्राइव को। जैसे बारिश का मौसम है उसके अंदर इग्निस ऑटोमेटिक AMT अल्फा मॉडल है ये, तो ऑलमोस्ट सारा ही फीचर इसमें ऑटोमेटिक है, AC ऑटोमेटिक दिया हुआ है, सिस्टम वगैरह सब अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, बाकी गाड़ी का एक फुल ऑन रिव्यू हम अलग से बनाएंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मिलते रहेंगे, किसी का सवाल जवाब क्वेश्चन कुछ भी हो नीचे कमेंट में लिखिएगा, आई विल रिवर्ट। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।